गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि 10,000 के बजट में जो अपकमिंग ये जो मंथ है अक्टूबर का, इसमें आप कौन कौन से फ़ोन खरीद सकते हो 10,000 के बजट में। एक्चुअली कैसा होता है कि सबका बजट बहुत हाई नहीं होता है कि वो बड़े बड़े फ़ोन खरीद सके, तो ऐसे फ़ोन भी है जो नए आ रहे हैं और अपने बजट में आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब शुरुआत करते हैं अपने पहले फ़ोन से। जो हमारा पहला फ़ोन है वो है LG का K41S। इस फ़ोन की दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें ऑक्टा कोर का 2 GHz का प्रोसेसर है, मीडिया टेक का MT672 हीलो P22 का इसमें चिपसेट है। दोस्तों ये फ़ोन में 3 GB का रैम है और 32 GB का इंटरनल मेमोरी मिलता है। और ये फ़ोन की खास बात ये है कि इसमें 2 TB तक एक्सपैंड कर सकता है, लेकिन कोई इतना करता नहीं है। तो आप इसमें 256 GB या 128 या 64 GB तक एक्सटेंड करके यूज़ कर सकते हो। इसमें जो GPU है, मतलब जो गेमिंग खेलने के लिए इसमें आप अगर देखा जाए तो इसमें जो चिपसेट लगी हुई है वो पावर VR की GE8320 की चिपसेट है। इसमें IPS का LCD 6.5 इंच का डिस्प्ले है। अब दोस्तों इसके कैमरे की बात किया जाए तो इसमें क्वाड कैमरा है, मतलब ये बजट फ़ोन होते हुए भी इसमें 4 कैमरा दिया गया है, जिसमें प्राइमरी लेंस है 13 MP की, वाइड एंगल लेंस है 5 MP की, मैक्रो कैमरा है इसमें 2 MP का, और इसमें 2 MP की डेप्थ लेंस है इसमें LED फ्लैश के साथ में। जो इसका फ्रंट कैमरा है 5 MP का है। बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें 3000 mAh की बैटरी है और ये माइक्रो USB पोर्ट चार्जिंग के साथ में आता है। अब इसमें जो नेटवर्क है वो डुअल सिम नेटवर्क है, सपोर्ट जो इंडिया ब्रांड का 4G सपोर्ट करता है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बैक साइड पर, इसमें ऑन स्क्रीन नहीं है। इसी के साथ दोस्तों जो इसका रिलीज़ डेट है ये फ़ोन का, वो 16 अक्टूबर को होने वाला है। और इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ये 9,500 से 10,000 के बीच में रहेगा। अभी भी ये डिपेंड करता है कि अपने इंडिया मार्केट में जब आएगा तो इस पर जो टैक्स वगैरह रहेगा उसके बाद कितना होगा, फिर भी एक्सपेक्टेशन यही है कि 10,500 मैक्सिमम जाएगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे फ़ोन की, तो वो है Xiaomi का Poco C3। अब इसके परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो इसमें ऑक्टा कोर का 2.3 GHz का प्रोसेसर है और इसमें जो चिपसेट लगी वो MediaTek की हीलो G35 की चिपसेट है। इसमें 2 वेरिएंट है, एक 3 GB का वेरिएंट है, एक 4 GB का वेरिएंट है। आपको 3 GB के साथ में 32 का इंटरनल मेमोरी मिलता है, जिसमें आप 512 GB तक के एक्सपैंड कर सकते हो। इसमें 4 GB वेरिएंट में आपको 64 का मिलेगा। इसका प्राइस हाई हो सकता है 3 GB से थोड़ा। इसमें जो GPU लगा हुआ है वो पावर VR का GE8320 का GPU चिपसेट लगा हुआ है। दोस्तों इसमें जो डिस्प्ले है वो IPS LCD का 6.5 इंच का डिस्प्ले है। इसमें कैमरा दोस्तों ट्रिपल कैमरा है, एक 13 MP की लेंस है, एक 2 MP की लेंस है, एक 2 MP की लेंस है, LED फ्लैश के साथ में। इसमें जो फ्रंट कैमरा है 5 MP कैमरा है। अब इसके बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट के साथ में आती है। उसी के साथ इसमें जो नेटवर्क है वो डुअल सिम सपोर्ट है और ये फ़ोन 4G सपोर्ट करता है। ये फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ऑन स्क्रीन दिया हुआ है। इसी के साथ इसमें USB OTG सपोर्ट फ़ोन है। इसी के साथ इसका जो रिलीज़ डेट है वो 16 अक्टूबर हो सकती है, ये वेरी कर सकती है डेट। इसी के अलावा दोस्तों जो इसका प्राइस है वो बहुत ही लो है, मतलब आपको 7,500 से लेके 8,000 के बीच में ये फ़ोन मिल जाएगा। जो हमारा तीसरा फ़ोन है लिस्ट में वो है Xiaomi का 9C। इसकी परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो इसमें ऑक्टा कोर का 2.3 GHz का प्रोसेसर है, MediaTek हीलो G35 का चिपसेट लगा हुआ है। ये फ़ोन में भी 2 वेरिएंट है, एक है 2 GB का, एक है 3 GB का। आपको 2 GB के साथ मिलता है 32 GB का इंटरनल, और 3 GB के साथ मिलता है आपको 64 GB का इंटरनल। इसमें जो GPU का चिपसेट लगा हुआ है वो पावर VR का GE8320 का चिपसेट है। इसमें जो डिस्प्ले है वो IPS का 6.5 इंच का डिस्प्ले लगा हुआ है। इसी के साथ इसमें कैमरा जो है वो ट्रिपल कैमरा है, पहली लेंस है 13 MP की प्राइमरी लेंस है, 5 MP की एक लेंस है मैक्रो, और 2 MP की डेप्थ लेंस है LED फ्लैश के साथ। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 5 MP का है। इसकी बैटरी बाकी फ़ोनों के मुकाबले बहुत अच्छी 5000 mAh की बैटरी है, माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट के साथ में आता है, और इसके जो नेटवर्क है वो ड्यूल सिम सपोर्ट फ़ोन है ये। इसमें आपको 4G नेटवर्क सपोर्ट मिलता है, और जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इसके फ्रंट में है। दोस्तों बात करेंगे इसके रिलीज़ डेट की, तो इसका रिलीज़ डेट है 29 अक्टूबर एक्सपेक्टेड है, और ये फ़ोन का प्राइस भी आपको 7,500 से लेके 8,500 तक के हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। अब बात करते हैं अपने फोर्थ फ़ोन की, तो वो है हमारा Samsung Galaxy A01।
इसकी परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो इसमें ऑक्टा कोर का 1.9 GHz का प्रोसेसर है। इसके अंदर आपको कॉलकॉम का SDM 439 स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिलता है। इसी के साथ इसमें दो वेरिएंट है, एक है 2 GB के साथ 16 GB इंटरनल, एक उसके सेकंड है 2 GB के साथ में 32 GB का इंटरनल। मतलब इसमें आपको आप जो एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरी इसके अंदर वो 512 तक के कर सकते हो। और इसके अंदर जो GPU लगा हुआ है गेम खेलने के लिए वो है एड्रॉन का 505 प्ले है, वो IPS का 5.7 इंच का डिस्प्ले है। इसमें जो कैमरा है वो डुअल कैमरा ही है खाली, एक है प्राइमरी लेंस, एक है डेप्थ इफेक्ट के लिए। जो प्राइमरी है वो 13 मेगापिक्सल की और जो डेप्थ की है डेप्थ इफेक्ट की वो 2 मेगापिक्सल की LED फ्लैश के साथ। इसी के अंदर आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और इसकी बैटरी है 3000 mAh की बैटरी है जिसमें। ये फ़ोन में माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है। अब बात करेंगे इसके नेटवर्क की, तो इसमें ड्यूअल सिम फ़ोन है जिसमें आपको ये 4G नेटवर्क सपोर्ट मिलता है। इसी के अलावा दोस्तों इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये फ़ोन में ऑन स्क्रीन दिया हुआ है, ये फ़ोन में बैक पे नहीं ऑन स्क्रीन है। अब बात करेंगे इसकी रिलीज डेट की, तो वो है 29th October को 2020 में। और इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो हो सकता है 8000 से लेके 9000 के बीच में वेरी करेगा, ये मार्केट टू मार्केट ऑनलाइन ऑफलाइन में डिपेंड करता है। तो ये था दोस्तों हमारा सैमसंग गैलेक्सी का A01। दोस्तों अब बात करेंगे अपने आखिरी फ़ोन की, वो है मोटोरोला का मोटो E6 प्ले। ये फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो इसमें ऑक्टा कोर का 1.4 GHz का प्रोसेसर है, MediaTek का MT6739 का चिपसेट है। इसमें आपको एक ही वेरिएंट देखने मिलेगा जो है 2 GB में रैम के साथ में 32 GB का इंटरनल। इसमें आप 256 GB तक के एक्सपेंड कर सकते हो। जो इसमें GPU लगा हुआ है वो है पावर VR का GE8320 का। दोस्तों बात करेंगे इसके डिस्प्ले की, तो इसमें IPS LCD लगा हुआ है 5.5 इंच का। इसी के साथ इसमें एक ही का सिंगल कैमरा है, वो है 13 MP की लेंस है LED फ्लैश के साथ। और इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो 5 MP कैमरा है। अब इसकी बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 3000 mAh की बैटरी है USB टाइप सी पोर्ट के साथ में। और इसमें जो आपको नेटवर्क मिलता है वो है ड्यूअल सिम और 4G सपोर्ट फ़ोन है ये। ये फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बैक में भी हो सकता है, ये ऑन स्क्रीन हो सकता है, क्योंकि मोटोरोला मोस्टली का हमेशा पहले फ्रंट में देता था, लेकिन एक से कुछ फ़ोन इसके ऐसे भी आए थे जिसमें बैक साइड पे एम पे था, तो ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन ये फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसी के अलावा दोस्तों इसमें जो रिलीज़ डेट है ये फ़ोन की वो अक्टूबर 21, 2020 को रिलीज़ होने वाला है। इसी के साथ ही फ़ोन का जो एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है वो 8500 से लेके 10000 के बीच में वेरी करेगा ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट के। दोस्तों ये था हमारा बजट फ़ोन का लिस्ट जो 10000 बजट के अंदर है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका बजट क्या है, आपको कौन सा फ़ोन लेना है, आप कैसा फ़ोन देख रहे हो, आपको कैसे फ़ोन में क्या क्वालिटी चाहिए और आपका क्या बजट है, इसके हिसाब से फ़ोन को ज़रूर बायफर्केट करके वीडियो बनाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों, मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिसने सब्सक्राइब किया, थैंक यू। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई, जर्नी तो अब स्टार्ट हुई है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक कि मुझे दीजिए इजाज़त, आपका अपना दोस्त।